हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और कल है ना, हमारा पार्सल आया था। मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमने चीज मंगाई थी वो आ गई है। बहुत ही ज्यादा सुंदर हमने लगा भी दी है एक जगह, तो एक लगाना बाकी है। दिखाती हूँ, ये देखो, ये मंगाया है हमने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हमने ये है ना सिंक के ऊपर लगा दिया है, तो इस पर हम साबुन और हैंड वॉश या फिर कोई कप वगैरह भी रख सकते हैं। इनसे चिपका दिया है ना, तो उतरेगा नहीं है। और एक हमने अभी दो का जो मंगाया था ना, जोड़ा मंगाया था, तो एक अभी यहाँ रखा है, तो ये लगाया नहीं है, चिपकाया नहीं, वैसे सेट कर दिया। ये सारी चीज़ें अलग लगाती है ना, सेट कर दिया, पर अब ये चिपकाना बाकी है। इनसे चिपकेगा, इनसे चिपका के और इसमें ये हैंड अटका देना है इसका। तो ये मम्मी कह रही थी कि इधर लगाएंगे हम, इधर, तो यहाँ भी सुंदर लगेगा। ये वाले जो ये गुड्डे गुड्डी हैं, छोटे छोटे डैड मोम बॉय बच्चे हैं, तो ये इनके ऊपर रख देंगे, सुंदर लगेंगे इनके ऊपर रखने के बाद। तो इधर चिपकाएंगे इसको, इनको हम बाथरूमों में भी चिपका सकते हैं, लेकिन बाथरूमों में अभी स्पेस नहीं है सारे। तो कैसे लगे आप लोगों को ये वाले? मेरे को तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। उधर हमारे ऊपर वाली लगा रही थी ना, तो वहां भी बहुत ज्यादा सुंदर, वो तो गमले रख रही थी इनके ऊपर। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, सजावट की चीजें तो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। सामान भी रख सकते हैं अगर किसी ने, मतलब कील गाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दीवार खराब करने की, ये चिपक जाता है आराम से, तो सही है। अभी यूज करके बताएंगे कितने दिन चलते हैं ये। वैसे तो ये ऐसी ऐसी चीजें थोड़े थोड़े दिन ही चलाया करना है, तो देखते हैं हम भी यूज करके। और आंटी अभी जा रही है शादी में, आंटी के बात है ना, तो सारा बात का सामान है वो डिक्की में भर लिया है, तो आज सारे बात के लिए जाए। सारी चीजें, नई 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 साड़ी, नया शाल, चपड़िया, अच्छे लग रहे हैं। सारी चीजें सुंदर लग रही हैं। तो मौसम और दिन तो धूप निकल रही है, आज देखिए से ठंडी हवा चल रही है। हाँ, चप्पल सही है, वही चप्पल है ना। हाँ, सब कुछ मैचिंग मैचिंग है। और ये चूड़ी, चूड़ी चूड़ा देखो, सुंदर है, सुंदर है, अच्छे लग रहे हो यार। सही लग रहे हो आंटी, कोई बात नहीं, क्या होगा जी। शाम में मेरे याद है ना, मुझे खड़ा तो बच्चे बताओ तेरे भाभी। हाँ, वह तो करे, मेरे भी याद को नहीं थी। अच्छा, जब जाया करो तो गा कर चढ़ाया करें, बात नहीं है। बोलो कि बाला घर सब एक का कोई वहाँ पे वहाँ गाड़ी हो, जल्दी जाओ, जल्दी आओ। लेके मजे आओ बात के, वो शादी के पूरी डिक्की फुल फुल होगी। हाँ चले, बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये देखो, घी निकाल लिया है मैंने और ये खोआ सा बच गया है, ये इतना घी निकाल के। और मैं सोच रही हूँ ना, इसमें बेसन डाल के भून के और इसके लड्डू बना लूँ, बेसन और गुड़ के, तो लड्डू बनाती हूँ मैं अभी। ये थोड़ा जल तो गया, पक गया है, बेसन डाल के भी भूनते टाइम ये जल जाएगा, देखना। तो मैंने इसी कढ़ाई में, इसी खोए में बेसन डाल लिया है, और इसमें है ना घी भी था खोए में बहुत सारा, तो बेसन में थोड़ा ही डाला था, लेकिन ये काफ़ी है इसके लिए। और अभी सिम गैस पे ही भून रही हूँ मैं इसको, लेकिन भूनते टाइम है ना थोड़ा सा लग रहा है नीचे, क्योंकि घी पहले से ही लग रहा था ना, तो इसलिए लग रहा। अगर मतलब कढ़ाई में कुछ नहीं होता ना, प्लेन कढ़ाई होती, साफ़ सुथरी, धुली धुलाई, तब तो बेसन नहीं लगता, लेकिन इसमें पहले से ही लग रहा था। पर कोई नहीं, चल जाएगा काम। और अभी है ना, जब पक गया ना बेसन, मतलब भून गया, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगा दिया था, और फिर मैंने गुड़ डाल दिया था, काट के गुड़ को बिल्कुल बारीक कर लिया था, और तब इसमें डाल दिया था, और बस फिर ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बना दिए थे। देखो, लड्डू बन के तैयार हो गए हैं, आ जाओ आप सब भी खा लो, मस्त वाले लड्डू बने थे, बिल्कुल टेस्टी। और अभी मैं आई हुई हूँ बाहर सुमित के साथ, सुमित को कुछ काम था और मेरे को भी एक आध सामान खरीदना था, मैं चलो मैं भी चलती हूँ। और अभी सुमित अपना काम करने गए हुए हैं, मैं गड्डी में बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, चलो आपसे बातें कर लेती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो बस अभी जाके मैं खाना बनाऊंगी। और है ना, हमारे ऊपर वाली हरी मिर्ची देके गई थी, गांव से लेके आए थे, वो मोटी हरी मिर्ची है, तो उनका अचार डालूंगी या फिर उनको छोकूंगी, देखूंगी कैसे, सुमित को जैसे पसंद होगी, जैसे खानी होंगी ना, तो वैसे बना दूंगी।
तो देखती हूँ अचार डालूंगी या फिर उनको छोंक के खाएंगे। छोंक के भी अच्छी लगती हैं और अचार भी अच्छा लगता है, और उनकी सब्जी बनाते हैं ना तो वो भी अच्छी लगती है। तो अभी तक डिसाइड नहीं किया है क्या करना, बस धो के उनको रखाई हूँ तो सूख जाएंगी तब तक। और दो दिन से मेरी तबीयत तो इतनी खराब चल रही थी ना, आज भी मेरे चेहरे से लग रहा होगा मुरझाया हुआ है बिल्कुल, मतलब इतना बुखार हो रखा था दो दिन से, कभी उतर रहा है कभी चढ़ रहा है, तो ऐसी तबीयत हो रखी थी, अंदर ही अंदर बुखार चढ़ रहा था, पूरा शरीर ऐसे टूट रहा था ना जमा। तो बस अभी तो आज तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है फिर से वापिस से, और ठंड भी इतनी ज्यादा लगती है ना ठंड में, अगर बुखार चढ़ जाए तो बहुत ज्यादा ठंडी, दो दिन से मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, मेरा टोपा भी नहीं उतर रहा था, पर आज आराम है, अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ वैसे तो मैं, पर ये है थकान तो कई दिन में उतरती है ना बुखार की। मेरा बुखार हो रखा था ना तो हमारी गली में वो कुआ पूजन था, तो वहाँ खाना भी था, इसलिए फिर हम खाना भी नहीं खा के, मैं बुखार में मेरे से तो खाया ही नहीं जाएगा, फिर मम्मी बोली मैं भी नहीं खा के आती, तो वो भी फंक्शन हमने अटेंड नहीं किया। और गांव में भी चाचा चाची के लड़का हो रखा है, तो ये खुशखबरी भी आपको देनी थी, तो वहाँ भी छठी थी परसों, पर हम छठी में भी नहीं जा पाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस अभी घर जाके एक तो मिर्ची का अचार डालूंगी, मतलब जो भी मेरे को बनाना है वो काम करूंगी, और खाना बनाऊंगी, तो ये दो काम करने हैं। अभी सुमित भी बस आने ही वाले हैं क्योंकि काफी देर हो गई उनके गए हुए, तो उनका काम हो ही गया होगा, तो मैं भी अपना काम निपटा के और घर चलती हूँ। और आ गई हूँ अपना काम निपटा के घर, और घर आते ही अपनी मिर्ची देखी है, पहले तो सूख गई या नहीं, पर अच्छे से सूख गई थी, साफ सुथरी धो के सुखा के, और मैं इनका अचार नहीं डाल रही, इनको वैसे ही छोंक रही हूँ, मतलब मसाला भर के और फिर छोंक दूंगी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है कढ़ाई में, और इसको सिम गैस पर भून लूँगी, और बेसन को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं इसमें कर देती हूँ मसाला ऐड। और वैसे तो मैंने भून के रख रखा है, मतलब मसाला तैयार करके रख रखा, अगर तैयार नहीं होता ना तो सारे खड़े मसाले लेके और मैं वैसे तैयार कर लेती, लेकिन मैंने पहले ही सब्जियों के लिए बना के रख रखा है, जिसमें मैंने साबुत धनिया, सौंफ, मेथी और जीरा, ये सारी चीज़ें भून के और इनको पीस लिया था, तो वो मतलब मसाला बना के रख रखा है। तो ये मसाला मिर्ची में बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में ही मैंने इसमें नमक डाल दी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, अगर विनेगर हो ना तो विनेगर भी डाल सकते हैं, हमारे पास तो विनेगर हमारा ख़त्म हो रखा था और नींबू भी एक ही था, तो इसलिए रस भी कम ही पड़ गया, पर मैं चलो काम चल जाएगा, तो मैंने एक नींबू का रस डाला है इसमें, नहीं तो दो तीन नींबू का रस डाल जाए ना तो खटी खटी अच्छी लगती है वो। और उसके बाद फिर मैंने ना इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया है, और तेल ऐड करके बस अब इसको मिला लूँगी अच्छे से, और बस मसाला बन के तैयार हो गया है मिर्चियों में भरने के लिए, तो मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मिर्चियों में ना कट लगा लूँगी मैं, जौन सी साइड से मिर्ची मुड़ी हुई होती है ना तो उस साइड से कट लगाते हैं ना मसाला अच्छे से भरा जाता है, तो इसीलिए मैं उसी साइड से कट लगा रही हूँ, सारी मिर्चियों में कट लगा के रख लेती हूँ पहले तो। और बस कट मैंने लगा लिया है सारी मिर्चियों में, अब इनमें भर देती हूँ मसाला, तो अच्छे से फुल भरी है मैंने, एकदम दबा दबा के अच्छे से मसाला भर दिया और इनको बंद करके रख दिया है। और ये मिर्ची है ना थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो कढ़ाई में एक बार नहीं आई, कढ़ाई में तेल डालने के बाद मैंने इनको दो बार में फ्राई किया, दो बार में आई थी, पर पलट पलट के मैंने अच्छे से इनको फ्राई कर लिया था, और फ्राई की हुई तो वैसी मिर्ची भी बहुत टेस्टी लगती है, सुमित तो बहुत खुश होकर खाते हैं, जैसे जब खाना बनाती हूँ ना एक आधी बार मिर्ची फ्राई कर दूँगी तोए के ऊपर, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं सुमित को, तो ये तो और भी अच्छी लगेंगी क्योंकि इनमें तो मसाला भी भरा गया ना, तो ये तो वैसे भी हम पराठों के साथ, वैसे भी सब्जी रोटी उसके साथ भी लेके खा सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है फ्राई की हुई भी मिर्ची। तो अभी बस कढ़ाई में तेल डाल लिया, थोड़ा ही तेल डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, और इसमें भी दो बार करके मिर्ची फ्राई की है, और बस अब इनको अच्छे से अलट पलट के और बढ़िया से सेक लूँगी, तो ये छोंकी हुई मिर्ची बन के तैयार हैं। वैसे हम इसका अचार भी डाल सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, तो सारी चीज़ें टेस्टी लगती हैं क्योंकि ये इतनी तीखी नहीं होती ना ये मिर्ची, इनमें तीखापन कम होता है, और ऐसे छोंकने से या फिर अचार डालने से तो इनमें जैसे नींबू का रस और विनेगर डल के तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, और साथ में मसाले भी ऐड हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखो सारी मिर्ची मैंने फ्राई कर दी है, तो बस अब इनको ना कई दिन तक खा सकते हैं, फ्रिज में रख दूंगी इनको तो हफ्ता भर ये खाई जाएंगी, सही है, हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी। और आते ही है ना पहले मैं लंच बनाने लगी थी, और उसके बाद फिर मैंने मिर्ची छोंकी थी, तो बस ये काम निपटाते निपटाते शाम ही हो गई थी, और अभी लग गई मैं शाम का खाना बनाने। और आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू, गाजर और मटर की सब्जी, तो बस अभी फटाफट बना देती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।
बाय बाय। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय।